तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, किंग खान शाहरुख खान इंडियन सिनेमा के वो सुपरस्टार है जिनकी वजह से आज बॉलीवुड को पूरी दुनिया भर में पहचान मिलती है और इनकी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान का दुनिया भर में इंतजार भी किया जा रहा है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, वैसे तो पठान में शाहरुख खान का एक्शन भरा अवतार लोगों ने देखा भी और काफी पसंद भी किया है, लेकिन इस बार जवान में शाहरुख खान एक्शन के साथ साथ अपनी बेहतरीन अदाकारी डबल रोल के साथ दिखाकर सबको सरप्राइज करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो किंग खान हमेशा ही अपने फैंस को सरप्राइज और एंटरटेन करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार अटली कुमार के डायरेक्शन में बनी जवान में और भी ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं, जो कि शाहरुख खान के निभाए हुए आज तक के किरदारों से बिल्कुल अलग होने वाला है, जहां वो हैंडसम भी नजर आएंगे और बूढ़े इंसान के किरदार में भी नजर आने वाले हैं। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। खबरों की माने तो वैसे फिल्म में 6 सॉन्ग होने वाले हैं और एक सॉन्ग में शाहरुख खान बूढ़े अवतार में डांस करते हुए नजर आएंगे और वो भी काफी जबरदस्त म्यूजिक के साथ। तो वही फिल्म के एक और सॉन्ग में शाहरुख खान नयनतारा के साथ नजर आएंगे समंदर के बीच बोट के ऊपर डांस करते हुए, और जिस सॉन्ग का टाइटल बताया जा रहा है दिल तेरे नाल, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है और काफी टाइम बाद फराह खान ने सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है और अनिरुद्ध ने इसको म्यूजिक दिया है। और दोस्तों, जैसा कि हाल ही में शाहरुख खान का जिंदा बंदा सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसमें शाहरुख खान 1000 डांसर के साथ डांस करते हुए नजर आए हैं, वो सॉन्ग काफी बड़ा हिट रहा है। अब इस सॉन्ग के बाद दूसरे सॉन्ग की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कौन सा सॉन्ग पहले आता है, जिसमें शाहरुख खान ओल्ड अवतार में नजर आते हैं या फिर शाहरुख खान डांस करते हुए बोट पर नजर आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि दोस्तों, खबरों की माने तो फिल्म के सारे सॉन्ग बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि इस बार खुद शाहरुख खान ने अपने पसंद के सॉन्ग रखे हैं फिल्म में। तो ऐसे में दोस्तों, आप जवान के एक्शन के साथ साथ फिल्म के सॉन्ग्स के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाले टाइम में 2000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म के बारे में आपके क्या विचार है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।